हे गाइस, मेरे ख्याल से हे गाइस बहुत पुराना हो गया। ओके गाइस, सो नेवरदलेस नॉट द बोरिंग स्टार्ट, अमेरिकन एक्सेंट। ओके, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के टाइटल के हिसाब से, पीसी बिल्ड की एक और वीडियो, VITEL। ओके गाइस, सो ये होने वाली है हमारी पीसी बिल्ड वीडियो नंबर 9, एंड दिस वीडियो इज गोना बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी अपग्रेड करी हैं जो कि 90K के लेवल की हैं, यानी कि 90,000 के लेवल की। तो गाइस शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, शुरुआत कैसे करें। तो गाइस वेलकम बैक टू नेक्सस डेब्री, और मैं लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो पीसी बिल्ड अंडर 90K में, और ये बिल्ड होने वाला है बहुत ही खास, हालांकि इंटेल का ही पीसी बिल्ड है। अगर आप लोगों को एएमडी का पीसी बिल्ड भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन क्या कि प्लीज़ मेक एन एएमडी बिल्ड। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मेरी हर पीसी बिल्ड की जो भी वो होते हैं आइटम्स होते हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में किट की वेबसाइट पे दे रखे होते हैं, और बिफोर माय वीडियो पब्लिशेस वो ऑलरेडी अपलोडेड होते हैं, यानी कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे मैं ना कि कोई पेपर रजिस्टर लेने की बजाय मैं अपने किट की वेबसाइट पे जाता हूँ, अपने लिस्ट देखता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। तो दैट वुड बी अ स्पेसिफिक अमाउंट, वहाँ पर सारी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन और तो और विद द लिंक ऑफ बाइंग गिवन रहता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने मोस्ट फेवरेट आइटम यानी ग्राफिक कार्ड से। ग्राफिक कार्ड मैंने 80K वाले बिल्ड का ही लिया है, यानी कि MSI का GeForce GDS 1060। ओवर क्लॉकेबल भी ले सकते थे, लेकिन 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 यहाँ पर हमें ये अपग्रेड नहीं करना है यार, जो हम करेंगे वो देखते चलिए, आप पूरी वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा क्या हमने अपग्रेड किया है। तो MSI का GeForce GTX 1060 Ti 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, हालांकि 6 GB एक वेल नोन कैपेसिटी हो गई, क्योंकि मोस्ट हाई एडिटिंग भी नहीं, मतलब 4 GB के में चल जाती है, लेकिन इट्स बेस्ट टू हैव मोर। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने प्रोसेसर पे। प्रोसेसर भी वही है अपना 80K वाला i5 इंटेल का 8600K 3.4 GHz टू 5.6, सॉरी 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 3.4 GHz टू 4.6 GHz तक जा सकता है विद टर्बो बूस्टिंग, विदाउट ओवरक्लॉकिंग एंड विदाउट एक्स्ट्रा व्हाट वी से कूलिंग। ऑल राइट नेक्स्ट, हालांकि इसमें कुछ और बताने वाली बात नहीं है, कॉफी लेक 8th जनरेशन प्रोसेसर है और बहुत सारी चीज़ें, हालांकि ये सब नॉर्मल सी बातें होने लगी हैं अब तो आप लोगों के लिए, आखिर मेरी वीडियोस देख देख के आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो। और राइट नेक्स्ट आ जाते हैं अपने मदरबोर्ड पे, जिसमें जाके अपना ग्राफिक कार्ड लगेगा, जिसमें जाके अपना प्रोसेसर बैठेगा, और क्या चाहिए सर आपको। तो यहाँ पर मैंने अपग्रेड कर दिया है ब्रदर अपना मदरबोर्ड, अब तक हम लेते आ रहे थे ये भाई लोकल सा मदरबोर्ड है यार, कुछ तो स्टाइलिश लाओ, पीसी बिल्ड वाली फील नहीं आ रही है। तो भाई पीसी बिल्ड वाली फील ले आते हैं, यहाँ पर मैं ले आया हूँ MSI का Z270A Pro। तो प्रो के नाम से ही फीलिंग आने लगी ना अपन लोगों को कि ये अब आ रही है फीलिंग। तो यस, इसके साथ आपको बैंड एंटीनाज मिलते हैं वो भी दो, और इसमें आप लगा सकते हैं मिनिमम ऑफ 4 ग्राफिक कार्ड्स और अप टू 16 GB ऑफ रैम विथ 4 स्टिक्स, यानी कि आप इसमें 4 4 GB की 4 स्टिक्स लगा सकते हैं, और तो और ये दो, यानी कि दो बता रहा हूँ मैं, .M2 स्टोरेज सपोर्ट करता है। यार देखो स्टोरेज में मेरी ऐसी बात है, मैं कभी स्टोरेज अपग्रेड नहीं करूँगा अपने कोई से भी पीसी बिल्ड में, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यू गो बेटर प्रेफरेंस ओवर देयर, वेस्टर्न डिजिटल ही बेटर रहती है। तो आ जाते हैं वापस अपने मदरबोर्ड पे, अपडेटेड बायोस के साथ आता है और सपोर्ट करता है 6 फैंस,
यानी कि टोटल 6 फैंस लगा सकते हो, लेकिन हम जो केस लगाते हैं वो सपोर्ट करता है खाली कि 2 फैंस, तो सॉरी केस खाली सपोर्ट करता है 5 फैंस, तो 1 फैन एक्स्ट्रा इसके पास है, अगर आप कहीं जुगाड़बाजी करके बैठाना चाहो तो बैठा सकते हो। तो ये था, और इसके बाद इसमें और कुछ खास नहीं है, अब जितना मैंने बता दिया वो खास था, और मेरे ख्याल से उससे खास आपको कहीं नहीं मिल। और तो और भाई साहब, आप जब इसको खरीदोगे ना, जब आप अनबॉक्सिंग करो, क्या जो लुक्स हैं, वाह। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी रैम पे। रैम मैंने वही अपनी ली है, कॉर्सर वेंजेंस की 8 GB DDR4 2400 MHz की रैम। बस इससे ऊपर तो मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा कभी जिंदगी में, है 8 GB से ऊपर। यार एक्चुअली मेन हमारा होता है प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक का, तो 8 GB रैम इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर अ बजटेड पीसी बिल्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग पे जा रहे हैं, तो फिर मेरे जो आने वाले और पीसी बिल्ड होंगे बियॉन्ड 100K, दैट हैज़ नो लिमिट्स, उसे फॉलो ज़रूर करना, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक हाई एंड गेमिंग पीसी होता क्या है। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं मेन आइटम पे, जो कि होने वाला है पावर सप्लाई यूनिट। तो पावर सप्लाई यूनिट में कौन सी ली जाए जी, 80 के पीसी बिल्ड में हमने ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा ही लिया था, तो यहाँ पर भी हम ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा ही लेंगे, जो कि होने वाला है कॉर्सर का CX750। जी हाँ, 750 वॉट का पावर सप्लाई, हम ना कि कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड चला रहे हैं, ना कोई हैवी कोई दूसरा आइटम चला रहे हैं, तो हमारा 750 वॉट मोर देन सफिशियंट है। और ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने केस पे, जिसमें जाके अपना सारा सामान लगेगा। तो केस भाइयों, बात ऐसी है कि हर बार की तरह लिया मैंने स्पेक 4 ही है, लेकिन 80 के पीसी बिल्ड वाला चोरी मार के अपने इसमें चिपका दिया है, और वो है येलो स्टील मिड टावर गेमिंग केस, कॉर्सर कार्बाइड स्पेक 4। इसकी तो मैं क्या ही तारीफ करूं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है 5 फैन सपोर्ट करता है, साइड इसकी ट्रांसपेरेंट है, तो अपने जो भी महंगे सामान लगाते हैं हम इसमें वो दिखाई देने के हैं इसमें। उसके बाद अप टू 4 ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है, इंटेल ऑप्टेन भी आप इसमें लगा सकते हो, मतलब अपने मदरबोर्ड भी सपोर्ट करता है और अपना केस भी, दोनों ही सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन बात है। और उसके बाद इसमें डस्ट फिल्टर वगैरह भी मिलते हैं, तो यार इससे अच्छा और क्या मिलेगा अपन लोगों को। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने स्टोरेज पे। स्टोरेज एज यूजुअल फॉर शो कह लो या दिखाने के लिए कह लो, आखिर लगानी तो है ही कुछ वेस्टर्न डिजिटल की। 1 TB की 64 MB कैश साटा हार्ड ड्राइव इंटरनल। एक्चुअली इससे अच्छी कोई मिलेगी नहीं, वेस्टर्न डिजिटल इज बेस्ट फॉर व्हाट इट इज। और पता है वेस्टर्न डिजिटल खाली ब्लू कलर में नहीं बनाता है, मैं आपको कलर स्पेसिफिकेशंस एक्चुअली बता देता हूँ। कलर स्पेसिफिकेशन कुछ खास नहीं होती है, कलर बेसिकली मीन होता है उसकी स्पीड, उसकी प्रोसेसिंग लिमिट, उसकी कैश साइज का। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, जैसे कि बता दूँ ब्लू, येलो, रेड, पर्पल और ब्लैक, और तो शायद नहीं आता। और सबसे फास्टेस्ट होता है ब्लैक, और इवेंचुअली सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी। तो ये है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना अपग्रेडेड आइटम दिखाऊंगा मैं, दिखाऊं। ओके, अपग्रेडेड आइटम देखिए, सीपीयू कूलर हम आज तक बहुत सारे लेते आ रहे थे, एयर कूलर लगाया, लिक्विड कूलर में भी सिंगल रेडिएटर से काम चला लिया था, बजट ओरिएंटेड था, इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो ही नहीं रही थी। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने सीपीयू कूलर पे, सीपीयू कूलर ही पे, और वो है सीपीयू कूलर है हमारा कूलर मास्टर का, मॉडल नंबर कुछ बहुत बड़ा सा है, फिर भी मैं बता देता हूँ, MLX D24M820PWR1, फॉर दैट शिट गोज डंप इन योर डस्टबिन। ओके, तो कूलर मास्टर का ड्यूअल रेडिएटर यानी ड्यूअल फैन रेडिएटर, लिक्विड लिक्विड कूलर विद अ वेल नोन वेल गुड मोटर।
तो यार इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको 120 mm के दो फैंस भी मिलते हैं। तो अगर आप अपना लगाना चाहें तो अपना लगा लें, और अगर एलईडी वाले लगाना चाहें एलईडी वाले लगा लें बाहर से खरीद के, लेकिन इसके साथ तो फैन मिल ही रहा है। ओके, पता इनकी एक खास बात होती है रेडिएटर वालों की, इसमें आप रेडिएटर के दोनों तरफ फैंस लगा सकते हो विद यूज ऑफ एक्सटर्नल आफ्टर मार्केट लॉन्ग बोल्ट्स। आप खरीदे लॉन्ग बोल्ट्स और उसमें आप लगा सकते हैं अपने अप्रॉक्सीमेटली 4 फैंस ड्यूअल फैन रेडिएटर पे, और उस 4 फैंस आपको, हालांकि आवाज़ तो वो जेट इंजन जैसी करेगा, सिंग टाइप्स, बहुत ज़्यादा साउंड करेगा तो, लेकिन फिर भी कूलिंग तो कूलिंग है, आप कूलिंग के लिए तो थोड़ी बहुत आवाज़ सही सकते हैं ना। ऑलराइट, बचा क्या हमारा? नहीं यार, सारे हो गए। तो हमारे सारे ही हो गए हैं। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट में बताइए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो शेयर के लाइक है, और अगर कुछ बुरा लगे या कोई ऐसा आइटम आपको लगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिए। और अब बची है हमारे पास 100K की पीसी बिल्ड, उसमें भी कुछ अपग्रेड होने वाले हैं, हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं होंगे लेकिन अपग्रेड तो होने ही है। और उसके बाद आएंगे कुछ ऐसे ड्रीम पीसी बिल्ड, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीसी बिल्ड निकालूंगा ड्रीम प्रोजेक्ट में, जो कि होंगे ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 1.5 लाख्स एंड अबव, तो वो होंगे ऑलमोस्ट वेरी 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 कॉस्टली। तो ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो पे, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए। हालांकि मैं कोई दैट बट व्हाट वी से दैट इनोवेशन कार्ड्स नहीं डालता हूँ इसमें, तो ताकि आप लोगों को इरिटेट ना हो वीडियो देखते वक्त, कोई एड्स नहीं है तो चलता है। ओके, तो ख़त्म करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग पे, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय बाय।